हमने सीखा कि चित्ता नाम सुनके सब हमसे दूर भाग जाते, कोई हमसे कुछ नहीं खरीदता, और अगर हम कोई भी चीज छोड़ दे तो उसे फेंक कर भाग जाते। तू समझ गई हमारी सच्चाई और ये दुनिया की असली हकीकत। देख बल्लू को देख, बेजोड़ तीर मारता है पर आज तक कभी जंगल के बाहर जाने का हिम्मत नहीं किया। राका को देख, इसके जैसा हिरन मारने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ पर कभी कोई जोर आजमाइश नहीं किया। समाज, अच्छे से समाज, बनी बनाई व्यवस्था को मान, बहादुरी से अपने चित्ता समुदाय की असली पहचान को बड़ा बड़ा और बड़ा और बड़ा। दक्कन कौन के सुनलाता, वे नियम मानोगे तो सुखी से रहोगे। काहे कि यही हमारी जगह है, यहाँ का व्यवस्था सरकार ने बनाया है, हम सरकार को सहयोग करते हैं और बदले में वो हमें जीने का हक देते हैं। हक जिसने बगावत की उसे इसी तरह से सीखना पड़ेगा जिस तरह से चक्कू ने सीखा है। बताओ, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गई थी, बहुत बड़ी बड़ी, क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं कमा पाई आज का 100 रुपल्ली। रनना कहा देख रही हो, जाओ छुटकी के पास और मांगो आज का 100 रुपल्ली। चल जग्गू, दिखा तो सही, जरा हम भी देखें कितना कमाई है तू आज। चल दे 100 रुपल्ली। दस रुपल्ली एक, 10 रुपल्ली 2, 10 रुपल्ली 3, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 रुपल्ली। हमने अपने बाबा की लाज के लिए आज भी 100 रुपल्ली कमा ली दादा, लेकिन आप सही कहते हैं दादा, ये बस्ती के बाहर के लोग हमें अपना नहीं मानेंगे। हम भाई तो कह रहे थे। पर दादा, हम उनसे हार का है माने, बाहर वाले तभी हमको अपना मानेंगे जब हम स्कूल जाएंगे। स्कूल? हाँ दादा, हमने आज सड़क पे ये भी सीखा, स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, पढ़ने से ये पूरी बस्ती का भाग बदल जाएगा। पढ़ना? ये क्या बकबका रही है? स्कूल जाने से ना हमें बुद्धि मिलती है, ताकत मिलती है, जिससे हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, आसानी से रुपया कमा सकते हैं, उन रुपयों से हम किसी का इलाज करा सकते हैं। स्कूल जाकर हम चित्ता बस्ती को इतनी ताकत दे सकते हैं जिससे कभी भी कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर पाएगा।
अब हमारी इज्जत करेंगे, हमसे कोई दूर नहीं भागेगा, बल्कि लोग हमरे पीछे भागेंगे। पापा? सपना बेटा? अरे पापा, आज आप बल्ली घर आ गए, मैं तो आपको देखकर सरप्राइज ही हो गई। अच्छा, मैं तो अपने प्रिंसेस के साथ लंच करने आया था, लेकिन आप लोग थे ही नहीं। सरप्राइज देने आया था, लेकिन खुद सरप्राइज हो गया। कि आखिरकार आप लोग कहाँ रह गए? कहाँ थे आप बच्चा? ये मम्मी का फॉल्ट है। नहीं, मम्मा का भी नहीं, ये मम्मा की रोड साइड ऑर्डर का फॉल्ट है। वो गंदी फ्रूट बेचने वाली। सपना, ऐसा नहीं कहते। वो स्टूपिड गर्ल आपको मामा मामा कह के बुला रही थी। सपना, तुम मुझे उसके सामने मामा बुलाती हो ना, तो उसे लगता है कि मेरा नाम ही मम्मा है। उसे इंग्लिश समझ नहीं आती बेटा। उस लड़की को इतना भी आइडिया नहीं है कि वो फ्रूट बेचने वाली कितनी स्टूपिड है। सपना, शोना तुम अच्छी बच्ची हो ना, इसलिए तुम्हें कभी दूसरों की कमियों पे हंसना नहीं चाहिए। बट मम्मा। सपना बेटा, आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है। देखो बेटा, जब तक हमें किसी का ट्रूथ नहीं पता होता ना, तो हमें उससे पूरी सिंपैथी रखनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि उसका ट्रूथ उसे कितना मजबूर कर रहा है, और हम तो ये भी नहीं जानते कि उसका रियल ट्रूथ क्या है ना बच्चा? ओके बच्चा। मम्मा वही है जिन्होंने सारे राफल खरीद के हमको 100 रुपये कमाने में मदद की। अरे हाँ हाँ, बहुत मदद कर दी उसने। अरे एगो खरीदारी तो है वो मम्मा, इतना भी का गुणगान गा रही है। बच्ची है दद्दा, छल कपट कुछ मालूम नहीं इसको, पहली बार देखी है जंगल की बाहर की दुनिया, सो खरीदार के झांसे में आ गई। नहीं मौसी, मम्मा सिर्फ खरीदारी नहीं है, वो बहुत ही प्यारी है, वो हमारी बहुत ही मदद करती है। पता है मौसी, वो ना दरोगा बाबू ऐसे मम्मा को ऐसे सलाम ठोक रहे थे, इसका मतलब मम्मा बहुत समझदार हुई ना। मम्मा ना एक साथ बहुत ही सारे दोने खरीद लेती है मौसी। और पता है दादा, उनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि हम एक चित्ता है।